चलो अभी अंदर करते हैं, चलो 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 दीदी थैंक यू, अभी अंदर करते हैं, चलो अभी अंदर करेंगे, चलो थैंक यू, चलो लेफ्ट में कर लो, चलो 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 करेंगे इसके बाद, चलो अरे रुको मैम हो गया टीम रानी है, चलिए अंदर। हम आपको ट्रेलर दिखाएं उससे पहले कुछ बात करना। सॉरी एक्सक्यूज मी, ऑलराइट मैं आई हैव वाटर प्लीज, पानी मिलेगा? पानी थैंक्स सर। हिचकी के मायने यही होते हैं हमारे यहाँ, तो हिचकी आई तो पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं। और घर वालों ने या तो सिखाया कोई तो याद कर रहा है, आप फटाफट से व्हाट्सएप करने लग जाते हो, आप उनको कॉल करते हो कौन याद कर रहा है, या आप सोचने लग जाते हो कौन याद कर रहा होगा, उधारी किससे लिए मैंने। यही हिचकी का मतलब हमें आज तक समझाया गया है कि कोई याद कर रहा है या आप पानी पी लो। ये तो बायोलॉजिकल सेंस में ये कहते हैं कि गले में और पेट की जो मांसपेशियां होती हैं जब ये कम पानी की वजह से सिकुड़ने लगती हैं तब आपको हिचकी आती है। अब तक ये थे हिचकी के मायने, लेकिन आज से हिचकी के मायने बदलने वाले हैं। कैसे बदलने वाले हैं वो इस ट्रेलर की तरह देखते हैं, जानते हैं। लेट्स गो फॉर इट। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रानी मुखर्जी। सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करता हूँ सबके बिहाफ पे। और एक ऐसा सवाल है जो मतलब 3 साल पहले आपसे मिलने पर हमने पूछा था जब आप मर्दानी लेकर आए थे, और अब जब आप वापस आए तो दोबारा ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप जितनी बार आते हो सिर्फ क्लास लगाने आते हो क्या? यहाँ बच्चों की क्लास लगाई है, लास्ट टाइम आप लोगों ने बड़े बड़े गुंडों की क्लास लगाई थी। क्लास लगाने से आपको इतना क्या लगाव है? अच्छा लगता है क्लास लगाना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। घर पर भी सबकी क्लास होती है, बाहर भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्या आपके लिए हिचकी क्या है? हमारे लिए तो ये समझ में आ गया कि गले और पेट की मांसपेशियां जब कम हवा के कारण सिकुड़ती हैं तो हिचकी आती है। हाँ, that's a literal meaning of हिचकी, right? अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो हिचकी, लेकिन ये हिचकी उस हिचकी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, उसका मीनिंग थोड़ा और ज़्यादा मतलब बड़ा है। और हमने कोशिश की है कि जो टुरेट्स सिंड्रोम है, जो डिसऑर्डर है लड़की को, उसे हमने हिचकी बताया है, क्योंकि आम लैंग्वेज में हम टुरेट्स सिंड्रोम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हिचकी एक ऐसी शब्द है जो हम सबको होती है, हम सबको है। तो हिचकी इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द टुरेट्स सिंड्रोम इन अ वे दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। आपने लोगों को हिचकी के अलग अलग मायने बताने का सोचा है और इसलिए आपने पूरी एक किताब छापी है। हम इस किताब पर बढ़ें उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जब बचपन में आपको हिचकी आती थी या अभी भी लिटरली अगर आपको हिचकी आती है तो कौन कौन से उपाय को आप फॉलो करते हैं कि आपकी हिचकी चली जाए? पानी पीती हूँ, सिर्फ पानी, ऊपर देखती हूँ। और कभी घर वालों ने कहा कि कोई तुम्हें याद कर रहा है इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही है? हाँ, याद करता है, या कोई गाली दे रहा है, या कोई प्यार से याद कर रहा है, हिचकी तो तभी आती है। हम लोग को भी हिचकी बहुत ज़्यादा आई है, हम आपको याद कर रहे थे इसलिए 3 साल बाद आपको आना ही पड़ा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिचकी जैसा मुद्दा उठाना आपको क्यों ज़रूरी लगा? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक फिल्म है हिचकी। और हिचकी के थ्रू हम ये भी बताना चाहते थे लोगों को कि हम सबको एक तरह की हिचकी है। जैसे नैना को तो हिचकी है ही, उसको टूरेट सिंड्रोम है, जो जैसे आपने देखा उसको मोटर टिक्स होते हैं। ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने आम भाषा में बोला है कि जब ब्रेन्स में कुछ तार ठीक से नहीं जुड़ते तो हिचकी होती है, जिनको समझ में नहीं आती है। लेकिन हमने शायद बहुत से लोगों को हमारे लाइफ में, जीवन में देखा है जिनको टूरेट सिंड्रोम है, लेकिन शायद इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जैसे कि ये एक प्रॉपर हिचकी है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना, दिमाग की हिचकी लोगों को होती है। जैसे कि कोई लड़की अगर कम कपड़े में चलती है रात को तो कहते हैं कि वो क्यों पहन के चल रही थी छोटे कपड़े, तो वो हमारे दिमाग की हिचकी है। जैसे हम कहते हैं कि माँ बनने के बाद एक लड़की का करियर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब डिक्लाइन पे जाता है, तो वो किसी के दिमाग की वो हिचकी होती है कि आप इस तरह से सोचते हो। तो हमारे जैसे लाइफ में बहुत सारी ऐसी हिचकीज़ है, जैसे हिचकी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, बहुत सारी ऐसी मतलब हिचकी है। रिलीजन को लेके हिचकी, तो हमने सोचा कि उसको और इस मुद्दे को साथ में जोड़ के एक एक्सप्लेन करें कि हिचकी क्या होती है। लेकिन आप पूरे टाइम खड़े रहेंगे? हाँ मैम। तो मैं भी खड़े हो? नहीं मैम प्लीज, आप बैठे रहिए, टीचर के सामने बच्चे खड़े रहते हैं। नहीं नहीं, आप मेरे बच्चे नहीं है, मेरी एक ही बच्ची है अदीरा। ओह बैठिए, चलिए ठीक है। तो हम लोग को भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। काश मेरे आपके तरह लॉन्ग लेग्स होते। बस मैम यही ये भी एक हिचकी है क्या? ये चेयर थोड़ा सा मतलब जैसे बार स्टूल हो गया ना, ये कोई नॉर्मल चेयर नहीं है। जरा प्रबंध किया जाए प्लीज, तब तक हम खड़े होके बात करेंगे। चलिए खड़े होके बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अंदर कोई हिचकी ना रखें, जो भी सवाल है हिचकी से जुड़े आप मैम से पूछ सकते हैं और अपनी सारी हिचकियों को खत्म कर सकते हैं। यस यस, मेरा बहुत प्यारा सा बैग, स्कूल बैग। हाँ जी। डियर मीडिया, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, मैम से आप पूछ सकते हैं। हाय रानी, आपके लेफ्ट में मेरा नाम आलोक है। आपके लेफ्ट? मेरे लेफ्ट? हाँ। मेरा सवाल, हेलो कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी हो गई है, सॉल्ट एंड पेपर हो गई है दाढ़ी आपकी। लगभग जब छोड़ के गई थी तभी ब्लैक थी सिर्फ, फिर मैंने बहुत पेपर थी, अभी सॉल्ट हो गई है। चलिए, सॉल्ट बहुत ज्यादा खाया मैंने पिछले दिन। आज ही हमने खबर सुनी कि आप सोशल मीडिया पे भी आने वाली हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, ये गलत खबर गई है। जैसे कि मेरे टीम ने मुझसे कहा कि जैसे मैं फिल्म प्रमोट करती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो सोशल मीडिया पे भी मैं प्रमोट करने वाली हूँ फिल्म। और जो हमारे जो YRF की जो हैंडल है और जो इंस्टाग्राम पेज है, और हिचकी के लिए भी हमने एक स्पेशल ऐसा पेज बनाया है। तो वो हैंडल्स के थ्रू मैं सिर्फ प्रमोशंस के वक्त मैं एसोसिएट होने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सोशल मीडिया पे आने के लिए मुझे वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं हर मीडियम के थ्रू हिचकी प्रमोट करने वाली हूँ, तो सोशल मीडिया आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये जो 3 महीने हैं हिचकी के रिलीज़ तक मैं प्रमोट करने वाली हूँ थ्रू सोशल मीडिया। ये जो सिंड्रोम है, मेरा पर्सनल कोई अकाउंट नहीं है। तो आप बिल्कुल, फिर आपके फैंस आपसे अगर डायरेक्टली कुछ बात करना चाहें तो कैसे? वो मुझे ये YRF हैंडल और हिचकी फिल्म का जो हैंडल है उसके थ्रू मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ये जो आपका किरदार है नैना माथुर का, जिसमें सिंड्रोम है, ये टूरेट सिंड्रोम। हाँ मुझे ये, मैं नहीं बोल पाऊंगा, 2-3 अभ्यास लगेंगे। नहीं नहीं बोलिए ना, टूरेट्स। हाँ बस। तो ये इसकी तैयारी कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने क्या एग्जैक्टली बोला? जैसे कि आप लोग ने अभी ट्रेलर देखा, आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग आज आए हैं वो लोग यहाँ से निकलते ही गूगल पे या यूट्यूब में जाके गूगल करेंगे व्हाट इज़ टूरेट्स सिंड्रोम, और बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे जो अवेलेबल है यूट्यूब में, जो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये एक डिसऑर्डर है जो चाइल्डहुड से ही होती है। मतलब किसी बच्चे को 3 साल के बाद ये होती है, किसी बच्चे को 5 साल के बाद ये स्टार्ट होता है। और काफ़ी एक चैलेंजिंग वक्त होता है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ है जो सडनली डेवलप होती है और विथ टाइम जब तक आप बड़े क्यों नहीं हो जाते वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कम नहीं होता, ये बढ़ते ही जाता है। और बहुत अलग तरीके के टूरेट सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि ये जो अलग तरीके के जो टिक्स होते हैं, किसी किसी को मोटर टिक्स होते हैं, जैसे आपका हाथ, आप जैसे कि सीटी बजाते हो बात बात पे। बहुत बार हम लोगों ने ऐसी फिल्मों में जॉनी लीवर भाई को देखा है, काफ़ी कॉमेडीज़ में, कि वो आँख ऐसा विंक करते हैं। तो हम उस समय जब देखते थे हमें लगता था कि ये बहुत एक फ़नी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी एक टूरेट सिंड्रोम है कि अब बार बार कोई ट्विचिंग होती है आपके फेशियल मूवमेंट में, आपके हैंड मूवमेंट में। किसी किसी को लेग्स के साथ होती है, तो चलते चलते उनका पैर मतलब हिलेगा या कुछ ऐसा होगा। और कोई कोई लोगों को जैसे कि वर्बल टिक्स होती है, जैसे एक कंडीशन है जहाँ पे आप अब्यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत एम्बैरसिंग हो जाते बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। इट इज़ लाइक अ इनवॉल्ट्री थिंग, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। जैसे कि हम हिचकी करते हैं, तो हम उसे रोक नहीं पाते कि जब हमें हिचकी आती है हमें या तो पानी पीना पड़ता है या हमें ऊपर देख के उसको रोकना पड़ता है। ये कंडीशन में आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते हो, वो एक इनवॉल्ट्री कंडीशन है जो कभी भी हो सकता है। आप बात करते वक्त हो सकता है, आप चलते वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये डबल, मैं लास्ट सवाल होगा, एच के नीचे जो ये डबल लाइन है ये किसकी और क्यों है, ये जरा कोई बता सकता है? ये जो है ये इक्वल साइन है। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये पिक्चर में हम आई एम प्लेइंग अ टीचर एंड वी आर डीलिंग विद सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, तो इक्वल साइन इज स्टेटिंग दैट इक्वालिटी के लिए। यस, थैंक यू। रानी मर्दानी के बाद आपने हिचकी क्यों चुना, क्या कोई और सब्जेक्ट मिला? सॉरी, कौन है? हाँ जी, मर्दानी के बाद आपको कोई और सब्जेक्ट? आप कहाँ से है, आप इंट्रोडक्शन देंगे? एब्सोल्यूट इंडिया, जितेंद्र कुमार, इंग्लिश। हाँ जी, एब्सोल्यूट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर, जितेंद्र कुमार। हेलो जितेंद्र, हाउ आर यू? मर्दानी के बाद आपको कोई और स्टोरी सुनाई गई थी क्या कि हिचकी से आपको पसंद आई? नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट हिचकी वो फिल्म थी जो मेरे प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ, तब इन्होंने मुझे हिचकी ऑफ़र की थी। आपने कहा था कि आपको सबकी क्लास लेने में मज़ा आता है, आपकी हाँ क्लास किसी ने ली थी क्या कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी मम्मी, मेरे जितने टीचर्स हैं वो, मेरे दोस्त लोग तो मेरी अभी भी क्लास लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय रानी, मैं अनुप्रिया हूँ। देयर वाज अ लेडी हू वांटेड टू आस्क मी, नो, विद द ब्लू टॉप, कैन शी आस्क मी फर्स्ट? या, आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैन आई नो हू यू आर? आई एम गरिमा फ्रॉम गृहलक्ष्मी मैगजीन। फ्रॉम गृहलक्ष्मी मैगजीन। गृहलक्ष्मी मैगजीन, ओके। आपने इज इक्वल टू जो एच के नीचे है वो तो आपने बताया जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये ब्रैकेट में क्यों लिया गया है हिचकी को? ब्रैकेट ऑब्वियसली, जैसे हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसलिए ये एक डिज़ाइन फॉर्मेट है हमारी फिल्म के लिए। अच्छा, टीचर है इसलिए। हाय रानी, मैं अनुप्रिया हूँ, दैनिक जागरण डिजिटल से। मेरा सवाल है कि जब भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और सेलिब्रिटी इस पे बात करते हैं जी, तो आपको लगता है ज़्यादा इस पे चर्चा होनी शुरू होती है? जैसे दीपिका पादुकोण ने जब से डिप्रेशन पे बात किया है तो और लोग भी खुल के आके बात करने लगे हैं। आपको लगता है इस तरह के विषय पे सेलिब्रिटीज़ का आगे आना अच्छा रहता है? फर्स्टली तो मैं कहना चाहूँगी कि ये विषय नहीं है, ये एक एक्चुअल जीवन का एक मतलब हिस्सा है। जो लोग ये टूरेट सिंड्रोम से गुजरते हैं या जिनको है, ये अपने लाइफ बचपन से ही एक बहुत चैलेंजिंग वे से लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने रिसर्च के वक्त बहुत सारे बच्चों को मैं मिली जिनको ये टूरेट सिंड्रोम है, उनके पेरेंट्स से भी मिली। तो जैसे इंडिया में अब तक वो खुल के बाहर नहीं आए हैं। जैसे आप जब अभी YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिंक सारे मोस्टली US से है, UK से है, जहाँ पे दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम कमिंग ऑन टू द फोरफ्रंट, दिखाने को कि हमें टूरेट सिंड्रोम है। जैसे कि आप देखेंगे जैसे US में देयर आर लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस जिन्होंने अपना ये जो टूरेट सिंड्रोम है वो लेके उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडीज़ भी की है टू यू नो they're very confident about coming up and talking about it and using that in their form of work. So India में जब हमारी इस टूरेट सिंड्रोम के बारे में बातचीत होगी। आई एम श्योर बहुत से लोग आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करेंगे। किसका लेवल? माइक का? मेरा माइक? मैम मेरे कुछ एक दो सवाल हैं जो मैं करना चाहता हूँ आपसे। ये क्या करेंगे? हाँ जी, इसका माइक बढ़ाना है, मतलब वॉइस बढ़ाना, इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं प्लीज? साउंड चेक, ऑलराइट, नाउ इज इट ओके? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो ओवरकम किया है। मैं बचपन में हकलाती थी, आई यूज्ड टू स्टैमर, और मेरी मम्मी भी हकलाती है, उन्हें भी एक स्टैमरिंग का मतलब इशू है। मेरे बड़े भाई वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी हकलाते हैं, और मैंने काफ़ी वो चीज़ को ओवरकम की है, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस हमें बहुत सारी डायलॉग्स बोलनी पड़ती है, बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, और स्टैमरिंग इज़ समथिंग कि जब आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हो या एक्साइटेड होते हो तो वो चीज़ ज़्यादा उभर के आती है। तो बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ा, बहुत उस पर काम करना पड़ा, लेकिन जो अच्छी बात है लाइफ में कि जो भी आपकी वीकनेस है या जो आप सोचते हो कि आपकी वीकनेस है, उसे अगर आप उस पर काम करें और उस पर अगर आप उसको आप कॉन्कर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज यू कैन मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। थैंक यू। हाय मैम, हाँ जी, वांट टू आस्क मैम, आपके सामने सिद्धू सेम क्वेश्चन, ओके मैम, यहाँ आपके सामने, सॉरी कहाँ आपके सामने, ओके। हाय मैम, हाय, अनुज्ञा गुजरात मित्र से जी, हम तलाश के वक्त मिल चुके हैं ऑलरेडी, इंटरव्यू। बट अनुज्ञा का मतलब क्या होता है? आपकी परमिशन लेना। क्या बात कर रहे हैं, तो आपकी परमिशन लेके आप सवाल पूछिए। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि ये विषय नहीं है, ये भी एक जीवन का हिस्सा है। जी जी। तो मिस्टर राम मुखर्जी और आपकी मदर ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरी मम्मी, मैंने कहा ना कि मेरी मम्मी खुद मतलब हकलाती थी, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सिंस यू टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, जब मेरी मम्मी 20 साल की उम्र में शादी होके वो मुंबई आई थी मेरे डैडी के साथ, उनका स्टैमरिंग इतना ज़्यादा था कि बहुत बार वो गैदरिंग में बात नहीं करते थे। जब वो कहीं पे जाते थे तो वो मुंह नहीं खोलते थे कभी भी। बट शी इज़ अ सिंगर फ्रॉम द एज ऑफ 13-14, शी इज़ टू सिंग विद मोहम्मद रफ़ी ऑन स्टेज। तो जब वो गाना गाती थी कोई स्टैमरिंग नहीं होता था, बट जब वो बात करती थी तभी स्टैमरिंग होता था। तो जब वो मुंबई आई डैडी के साथ, तब उन्होंने अपने स्टैमरिंग पे बहुत काम किया, एंड आई थिंक माय डैड वाज वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। और जब हम लोग पैदा हुए, ऑब्वियसली राजा शायद मम्मी को देख देख के राजा को हो गया। फिर जब मैं पैदा हुई 5 साल बाद, तो मैं शायद राजा को देख के मुझे भी मतलब वो हो गया। तो प्रॉबेबली माइन वाज नॉट अ इनबॉर्न स्टैमरिंग, इट वाज मोर अबाउट ऑब्जर्विंग एंड देन यू नो पिकिंग दैट अप। तो मेरा शायद जल्दी सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि मेरा शायद इनबॉर्न नहीं था स्टैमरिंग। मैम, स्कूल के बच्चों को आप मिली हैं जिनको ये प्रॉब्लम है? कुछ आपने उनके साथ डिस्कशन किया था कुछ बच्चों के साथ? नहीं, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया, क्योंकि मुझे और जो मेरे इंस्पिरेशन है इस फिल्म के लिए, होपफुली उनसे भी आपके साथ मतलब बहुत जल्द मुलाकात करवाऊंगी, उनके साथ जो मेरे असल में रियल ज़िंदगी में जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। वो हम लोग जब नेक्स्ट मीट करेंगे तभी मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगी होपफुली। लेकिन जो बच्चे जिनके साथ मैं मिली बॉम्बे में, उनके पेरेंट्स थोड़े से हिचकिचा रहे थे उनको मीडिया के सामने लेके आने के लिए, या उनको ज़्यादा। हाय जोइता, हाउ आर यू? कोने में बैठी एकदम। तो थोड़े हिचकिचा रहे थे, जैसे कि क्योंकि हम लोग फिल्म मतलब बना रहे, तो वो थोड़े से डरे हुए थे कि क्या हम कुछ और मतलब क्या मतलब करने वाले बच्चे के साथ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम से गुज़र के उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को मतलब इस मुकाम तक लाए हैं। तो जैसे जब हमने उनसे बात की, उनको बुलाया उनको बात करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स थोड़े से वेरी थे कि, तो हम लोग ने उनको बहुत आश्वासन दिया कि ये बहुत ही हम एक पॉजिटिव फिल्म मतलब बना रहे हैं, और ये चीज़ के ऊपर बना रहे फिल्म, तो जब लोग देखेंगे समझेंगे इस बात को तो तभी वो थोड़ा सा ईज़ आउट हुए। और मैंने जब वक्त बिताया उनके साथ मैंने देखा कि वो एक्चुअली बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो लोग, वो जो बच्चे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनके पास क्योंकि वो टूरेट सिंड्रोम से गुज़र रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मतलब अशेम्ड है कि शाय है या कुछ है। वो चाहते हैं कि वो सामने आए, कि जब आप उनसे मिलेंगे आपको नहीं लगेगा कि उनको टूरेट सिंड्रोम है जब तक कि वो टिक नहीं करे। तो उनका जो अपीयरेंस है बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि आपने मेरा किरदार भी देखा होगा कि जब मैं टिक्स नहीं कर रही हूँ मैं काफ़ी नॉर्मल दिख रही हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आप देख के बता सकेंगे कि इसको टूरेट सिंड्रोम है, लेकिन ये जब उनको टिक्स होता है उनको भी पता नहीं चलता कि वो टिक कर रहे हैं। तो वो आपके और मेरी तरह ही नॉर्मल है, लेकिन जब वो टिक कर रहे हैं वो उन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो जब बात में उनका जो टिक आ रहा है उनके हिसाब से वो नॉर्मल है, लेकिन जो सामने बैठा उनके साथ बात कर रहा है उसको अगर तकलीफ़ हो रही है, उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, वो उनके एक्सप्रेशन से उनको पता चलता है कि शायद वो कुछ टिक कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि वो चीज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत इनवॉलेंट्री चीज़ है। तो उनसे बात करके तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला ये कैरेक्टर करने के लिए, लेकिन जो द पर्सन हु इज़ एक्चुअली माई इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस फिल्म, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो एक रियल लाइफ मतलब कैरेक्टर है और रियल लाइफ में भी वो टीचर है। जी रानी, Justin here towards your left. Justin from PTI. Hi. Yeah, Rani, when we talk about Bollywood, there is of course a lot of chatter how perhaps the industry doesn't really know how to treat actresses after they hit a certain age or after they get married. Or so that's a Hichki, major one. Right, and perhaps the men still continue to romance younger heroines, but the actresses. I am also romancing my husband. Yaar, aise kya bol rahe ho? And good for that. How can we stop romancing? Romance is supposed to be with us for life. Right. Who stops romancing? But then how do you look at the dichotomy on screen that perhaps female actors don't really get as much longevity on screen as compared to perhaps the male ones? No, I don't think that's true. I think times are changing. In the West, there has never been a discrimination like that. So I would say in the West, they don't have that Hichki. Yes, over here, we do have that Hichki. And I'm sure with time, that Hichki, if we work on, it can change. And that Hichki is in everybody's mindset. I think if you see an actor, and you don't enter a movie theater tagging her as married and a woman with a child, you will see the character and the actress as a character in the film, as the role that we are playing. But if you're going to judge an actor based on what she's going through in her personal life, then these Hichkis will keep coming to you. So once you enter a movie theater, you have to come sans Hichki. You have to come without a Hichki and you have to see the actor for what it's worth in the cinema hall, in the movie, in the basically ratio of what character she's playing. Also Rani, today there's also a lot of chatter about the obsession with star kids. We see the whole paparazzi culture up on the rise. We have, of course, celebrities who put out the pictures of their sons or daughters. You have really shied away from it. Is it shied away? Yeah, I mean, is it a very conscious thought that you don't want pictures of your kids to be out, daughter to be out? No, I think it's a decision taken together by my husband and me. I think my husband, being a very private person, I think his point of view towards the thing is that he wants Adira to have a very normal upbringing and seeing the circumstances around us, because we are parents who are slightly known in that sense. There will always be a sense of intrigue as to, you know, what our child is, how our child is, who our child is. So they will get a kind of extra attention that probably they don't really deserve. Because when you go to school and when you take your children to school, you are hoping that your child is going to be treated equally like the other kids. You don't want the extra privileges or extra importance to be given to your child because you want your child to grow up to be a normal person. But if you have that added attention to your life, if my daughter feels that, oh, I'm slightly different than the others, something could stem up with that. So what we're trying to give our daughter is probably if she's on the beach with her friends, she goes completely unnoticed. if she's wanting to go to the movie theater or she's wanting to go to the park, she goes unnoticed without anybody over there looking at her and saying that, oh, she is so-and-so's daughter. So we are trying our level best if we can achieve that. Of course, it is difficult because we do have the culture where our fans and our well-wishers want to see how my child looks, what is she wearing, is she healthy, is she not healthy, does she have curly hair, does she have straight hair, does she have my eyes, does she does not have my eyes. So yes, these are questions which are going to be repetitively asked, and there will be an intrigue somewhere, but as parents, I think it's our duty to do what we think is best for our child. So this is what we think is best for our child, and we are hoping that it's going to remain like that. And to give credit to all the paparazzi and the photographers, and they all are here today, I want to thank them personally because from the time Adira is born, I've been traveling with her everywhere, but whenever I'm at the airport, I always request them, and they've actually been very sweet, and they don't take Adira's pictures. So I want to thank each one of them, all the press photographers who are there, and I personally request them, like, baby ka photo mat lo, and they're like, ha ha didi, hum nahi lenge, and they always land up taking my picture, and they spare Adira, so I'm very happy with that, and I really respect the photographers for listening to me and not overstepping there. So I would have to thank them for that. Thank you. Rani, hi. Yes, hi. How are you? Good, how are you? I'm okay. Thank you so much. मैं पूजा सामन, मैं फ्रीलांस करती हूँ. हाँ जी. रानी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपके करियर में जब आपने इसकी शुरुआत की हिचकी फिल्म की, तो you were too domesticated. Very. तो क्या even now. Even now. Okay. And I will be for the rest of my life. So how was the whole experience beginning with the shooting, listening the script, and taking the care of Adira? See, I think it's been a very, very beautiful journey. I would like to put it like that. Thankfully, because the makers were aware of my condition of having a one-year-old baby at home, so I was very clear from the beginning that there would be a certain time frame that I would work. I was not very happy with the thought of taking my daughter on set. Like, that was something that I didn't want to do because, as parents, we are selfish. We want to be next to our child, and we also want the best of both worlds. And that's not possible because I didn't want to spoil my child's routine or her surroundings by taking her onto the set, because I don't think that's something which I want her to be, I don't want to expose her to that at this tender age, because I'm in the van, I'm in a location, I'm in Xavier's college. So, it's like better off if she's at home. So it was very important for me to shoot and then come back to her. So I kind of requested them for an early morning shoot where I could be back home by, say, lunchtime, so that after lunch I could spend time with my daughter, and I achieved that because we used to start work at 7 in the morning, and I was back home by, say, 12:31 every day. And it was amazing because my team was thoroughly prepared, and they knew that, we will get these 4-5 hours with Rani with full concentration and full focus, and let's work on those 4-5 hours really well. Because sometimes what happens is you do a 9 to 9 shift, and because you have the actor for 12 hours, you're like shooting आराम से, बहुत time जा रहा है, सब बैठ के कोई मतलब गप्पे मार रहा है, कोई ये कर रहा है. तो basically what we did is the 9 to 9 time we kind of squeezed it into 5 hours, 4 hours, and we got the best work that we could get. Also, when I heard the script, it was a very challenging script because I knew about Tourette syndrome, but not to this degree, because when I have to play a character, I have to know the syndrome, I have to know the people inside out. So I knew that it's going to take a lot of my time because it's not a role that I can just look pretty and just arrive on set and just say some lines and that's it. So it was not like that. So I knew that there would be a prep time, there would be a time where I have to give, to know the syndrome, to actually make it my own and make the character feel that, yes, it is not a performance, it is actually she has the Tourette syndrome. So I had to work on that. So yes, it was difficult, but I think what is the life of an actor if she doesn't take up a challenging role? So it was nice that at this point where I decided to do a film, I got offered a challenging role like Hichki of Naina Mathur, and I'm extremely happy that I did it. And at the same time, I balanced my time with my daughter. So she had no complaints from me. So I think it was a wonderful experience, and I think more working mothers should come out there and work, and they can only request their team, because for them their team is important. Like how in my case my team was integral in helping me achieve that. I'm sure in all the workspaces, if they kind of do a little tweaking here and there, a lot more women can come out and work. Hi, Rani towards the center. Hi. कोई राइट से सवाल पूछ नहीं रहा है, सब लेफ्ट से ही पूछ रहे सवाल. ऐसा क्यों? ये भी एक तरह की हिचकी है. हाय रानी. हाँ, हाय प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. इज द कैमरा एंगल बेटर हियर? कि क्या है ये, मतलब किया हुआ है कि सिर्फ यहाँ के लोग पूछेंगे सवाल? बोलिए. हाय Rani, I wanted to ask that the 3-year gap between Mardani and Hichki, did it ever hurt you to not be on screen? No, so you see, I'm back looking younger and better and refreshed after having a baby, so I am not complaining about it at all. Yes, of course, my fans did complain, but I'm sure they are reasonable enough to understand that when you have a baby, unfortunately, if men would have babies, we would be free to go about with our jobs. But it's not like that. We cannot fight nature. As a woman, you do undergo a lot of changes when you become a mother. And it's not only physical changes, it's a lot of emotional change as well that comes into your life. Because you give birth to a new life, you are responsible for that life. It's a different emotion for every mother. Like every single girl who becomes a mother, she experiences motherhood in different ways. There are so many women I've heard who probably get back to work in 3 months. You know, there are women who, you know, wait for a year. There are so many women who probably come back probably after 10, 15 years into work. You know, you never know. So everybody's experiences are different. Everybody's emotions are different. So I think emotionally I've gone through a very different phase after having my child. And I can only tell you that it's been very, very enriching, fulfilling, and very loving. So I think I've come back with a lot more love for everybody. So now when I see people and I see mothers and I see parents, my heart goes out to them because I've been through it myself in the truest form. So yeah, I think I've not missed being not there. But thanks to my husband being in the same profession, I didn't feel away from it at all. Also, Rani, you know, you've done this special appearance in Anand Del Rai's film. You know? 1 minute, huh? Yeah. Monica has suddenly. Hi, Shobha. आप कितनी sweet हैं, आप उठ के मेरे से सवाल कर रही हैं, आप बैठ सकती हैं. So sweet for giving me the respect. Thank you. मेरा प्रश्न यह है कि जैसा आपने बताया कि इस तरीके जो सिंड्रोम होते हैं ये बच्चों में छोटे से ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माँ बाप उसको स्वीकार नहीं कर पाते जी, तो ऐसे में इस तरीके की फिल्म उनको कितना इंस्पायर करेगी और आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो मतलब बचपन से ही उसको देखें और उसको सही कर दें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. ये जो चीज़ हम लोग कहना चाह रहे फिल्म के थ्रू कि जो भी हिचकी हमारे जीवन में होती है, जैसे कि जो बच्चों को ये टूरेट सिंड्रोम होता है उनको तो ये हिचकी है ही, लेकिन उनके माता पिता जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके भी दिमाग में एक तरह की हिचकी है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, हर माँ बाप को अपना बच्चा सबसे परफेक्ट भी लगता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम हमारी हिचकियों को समझें और उनमें सुधार लेकर आए. कि अगर हम सपोर्टिव रहे अगर हमने अपने बच्चों में कुछ देखा कि शायद ये डेवलपमेंट में कुछ एक बात है जो शायद दूसरे बच्चों के साथ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हर स्टेज में हम डॉक्टर से मिलते हैं और हमारे बच्चे की प्रोग्रेस जानते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा 1 साल का हुआ, अभी 1.5 साल का हुआ, अभी 2 साल का हुआ, अभी क्या क्या माइलस्टोन्स है जो हमारे बच्चे गुजरते हैं उस माइलस्टोन से, कि 1 साल में बच्चा शायद चलने लगेगा या 1.5 साल में बच्चा बात करने लगेगा, 2 साल में कितना आगे जाएगा कि सेंटेंसेस बोलने लगेगा. तो हर स्टेज पे हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का क्या डेवलपमेंट होता है, और उस समय अगर हम देख सकते हैं कि शायद एक कहीं में हमारा बच्चा शायद बाकी बच्चों से कुछ एक अलग कुछ कर रहा है, तो हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स कि हम वो बात को पहले समझें, क्योंकि एज पेरेंट्स वो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें. और अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए सपोर्टिव होते हैं तो बच्चे कुछ भी मतलब जीत सकते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट जो एक अप्रूवल आता है वो अपने माता पिता से आता है, क्योंकि बच्चे स्कूल बाद में जाते हैं, बच्चे दूसरे दोस्त या लोगों से बाद में मिलता है, पहले वो अपने माता पिता से अप्रूवल चाहता है और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चीज़। और जब माता पिता से वो अप्रूवल मिलती है, वो एक जैसा एक होता है ना कि माता पिता उसको एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो चीज़ जब होती है ना, वो सबसे बेहतर चीज़ होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि एक मदरहुड के बाद हमारी जो एक इक्विटी होती है एज एन एक्टर या एज अ वर्किंग पर्सन, वो डिक्लाइन में जाती है। तो ये एक तरह की हिचकी है और इसे हमें टैकल करना होगा। अगर हमें हिचकी है कि एक सास को एक बहू चाहिए जो जिसका स्किन फेयर है, डार्क नहीं, तो ये भी एक तरह की हिचकी है कि आप क्यों चाह रहे हो कि फेयर लुकिंग मतलब लड़की आपकी बहू बने। क्या फेयर लुकिंग लड़की एक सावली लुकिंग लड़की से मतलब बेटर है? क्यों? शायद वो सावली लड़की आपकी ज़्यादा सेवा करेगी। तो जो हिचकियाँ होती है हमारे दिमाग में, अगर हम उसे वर्क कर सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं, तो हमारा ये कंट्री जो है मतलब और हम जो है हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। Rani, sorry, I was asking you've done this special appearance in Shah Rukh's films with Anand Del Rai. जी. How was it to get back on set with Kajol and Shah Rukh? Fantastic. कुछ होता है part 2. Hello, Rani. Lipika yes. Verma. I'm a freelancer. Hello, how are you? Fine, thank you. So nice meeting you again. Yeah. Tell me. I was asking you. There's a line in the trailer that we saw that teachers are not good. Something like that, no? Teachers. Students are not bad. Haan, students yeah. are not bad. So do you think nowadays teachers don't put in that self-belief? They need to put in that self-belief in the students, you know, to rise above the odds. See, right now the only experience I'm having with teachers or students or whatever is through my niece and nephew, because Adira has not yet started schooling. So I've really not had chats with a lot of parents whose children are in schools, where I can know that how the teachers are today in Bombay. I can only tell you my experience about so many years back when I was in school, and I had a wonderful experience with all my teachers. I don't think my teachers ever discriminated. They never had a hitchki that I can remember, or any discrimination like, you know, you are a better student and you're not a better student, and we all were treated with equal love. There was not too much pressure on academics. Yes, they said that, you know, we need to study and we need to get good marks and we need to pass, but it wasn't as if a person who was smarter than me or brighter than me was given more importance than me in school. I think we all were treated with a lot of love, and there was like never a part where I felt discriminated as a child, or I remember any of my friends feeling any of that. What is important, I think, with teachers is that today you will have all kinds of students. There'll be all kinds of students in class, and it's important to know their strengths, because everybody is not going to be academically bright as the other one. Some person will have they will be more inclined towards sports. Somebody will be more inclined towards an art form. Somebody will be more inclined towards another area where they are more wanting. Or, you know, somebody could be a musical child, you know, who would want to sing or, you know, play a particular instrument. And, you know, today there are so many children who are getting encouraged to dance. So I think it's important to recognize that in a child and to make sure that we are not pushing our children too hard enough to try and tell them to emulate the other child. It's important to let your child breathe. It's important to let your child do what is best for your child. So if you see that your child is more inclined in sports, I think he should be studying well, normal, but not push so much pressure that he leaves the sports side, you know. We should encourage him to play the sports even further on. So I think it's, I think the time has come where we're not really expecting all students to fare equally well. So it's actually on the teachers to recognize that and to understand, because normally when we hear of schools or teachers, you know, putting so much pressure on students to perform a particular way, I think it plays a little negatively on a child's mind. Because, you know, to constantly tell a student or a child, you know, you're not coming up with the marks or you're not coming up with that kind of grade, you know, it's not important that every child has to bring that kind of grade. And my second question is, you rightly said that we cannot defy the nature. Men cannot bear children, but nonetheless they can take care of kids. Of course they can. How much care does... I always tell Adi to sit at home when Adi, I'm out at work. That's what I was asking. He should babysit my child. How much babysitting he does and how many times... A lot, what all he does for her nappy change and what all. Abhi thodi na abhi yahan pe ye sab discussion hona chahiye. Ki kya karta hai Adi. Rani, towards your center. Hi. Hi. This is... Hello. Hi, how are you? Very well, thank you. I write for First Post. What I like is I'm seeing familiar faces. Because I thought after 3 years I'll come, I'll see just a new pair of faces. But I'm so happy that I'm seeing people who I know. Tell me. Going forward, how do you go about picking scripts and choosing subjects since you've always gone for challenging roles? I think more than, you know, making like a benchmark for myself and only to believe that I would only be offered challenging roles is also a bit much. I think with each script, there comes one particular thing about a script that might really touch me. Like in the case of Hichki, I think it was the fact that the role is very challenging and the story is a very, very feel-good story. And it's about the underdog and it's about how you win the obstacles in your life and you come and you overcome your difficulties in a positive way and you make it your opportunity. So in case of Hichki, it was a different reason why I did the film. Having said that, the films that would be offered to me now, I always look at that one factor that kind of touches my heart. With like Hichki, there were a lot of things that touched my heart, especially Naina Mathur's character, because she's a fighter. And I love that about Naina because in spite of her Tourette syndrome, she wants to be a teacher. So if you see in the film, there is a teacher who said that we've never come across a teacher with a speech defect. So that guy is having a Hichki in his head. But what I love about Naina is that in spite of that, she's actually following her dream. She's actually following her destiny. She wants to be a teacher and that's what she wants to do. And she overcomes that with whatever she faces in life. With the other films, it could be just the story. It could be a love story that would touch my heart. Or it could be just anything that kind of connects with me as a person. Because somewhere in all this, Rani that I am, the person, I think it's important that something touches me. As a human being, is there something in the story that probably it's a story that I want to be part of, or it's a story that needs to be told? Something that really excites me as an actor, I think I will always take that up. Rani ji, hello. Yeah. Towards your center. Hi, Ankita from... There was another person before you wanted to ask a question. One second. It was you or somebody else over here? I was the only one. Oh, you were the one, okay. Hi, Ankita from Republic TV. First of all, congratulations for Hichki and we are glad that you're back. Thank you. You earlier said that, you know, you talked to Aditya only about babies and not about the movies and now he's the presenter of Hichki. So, you had any discussions on the topic and what all happened? Of course. If we didn't have, I think we'll be mad. So we are working on a film and we won't talk about the film. Any guidance which he gave to you? Or something? No, he's of course the producer of the film. He's also the creative producer. He's also presenting the film. But Manish is actually the actual creative producer of Hichki. So Adi was less involved in the project. Manish was more involved as the creative producer. So most of my interaction was with Manish and my director Siddharth. And yes, there were a lot of interactions I had with my husband, but that's only in the studio. At home, we never had any discussions on Hichki. Also, second question is that it's a hypothetical one that in future... Why are you asking them? In future, if Adira wants to... Hypothetical पूछ रहे हो यार? अभी आज का present का पूछो ना यार. Ask me something which is not hypothetical. Okay. Okay, ask. Then I'll choose whether to answer it or no. Ask. All right. So in future, if Adira wants to click a selfie with Mr. Aditya Chopra and she wants to put it on Instagram, Aditya Chopra will be comfortable with it? Again, that's a hypothetical question. You're asking me about my husband. Now, if I ask you today sitting here, no, that's a wrong question. That's not even a hypothetical question. That is a कुछ भी question. इस तरह के सवाल ही हिचकी होते हैं. हाँ, मतलब ये तो कुछ भी हुआ ना. मतलब अभी कौन से साल में अदीरा कब सेल्फी लेगी और कब ये आदि के साथ सेल्फी लेगी, कब वो पूछेगी, कब मैं रहूँगी वहाँ कि नहीं रहूँगी या मैं शूट में बिजी रहूँगी. वो सब तो मतलब कुछ भी है ना, कभी भी कुछ भी और कैसे भी. हेलो रानी. Hello. Hi. Nikita from. Yes. I'll answer him. Hello, ma'am. My name is Krishan. Can't discriminate between women and men. Equal. Ma'am, my name is Krishan. Your name is Krishan? Yes. Very sweet name. Hi Krishan. मैम मेरा सवाल आपसे कि आपने टीचर्स का रोल निभाया है तो काफी टीचर्स का रोल. बट ये जो आप कर रहे हैं ना, माइंड ब्लोइंग है. एक हाथ में आपका फोन है, शूट भी कर रहे हैं आप, सवाल भी पूछ रहे हैं. मतलब वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, फैंटास्टिक. तो टीचर का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है. टीचर्स स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए वेरी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. करेक्ट. और यहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट्स को अलग अलग टीचर्स को अलग अलग स्टूडेंट्स से डील करना पड़ता है. टीचर्स को बुली भी किया जाता है. और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स है. जो टीचर्स स्टूडेंट्स ठीक तरह से एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, कोई उनकी एजुकेशन ठीक नहीं होती है. लेकिन टीचर्स को काफ़ी प्रेशर किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से कि उन्हें इलेक्शन की ड्यूटी दी जाती है. तो आप मानते हैं कि इलेक्शन की ड्यूटी देना चाहिए कि नहीं आप, क्योंकि टीचर्स ऑलरेडी. किशन इज स्काई रॉकेटिंग समवेयर एल्स. क्योंकि ऑलरेडी उनको प्रेशर किया जाता है कि इट्स अनदर जोन ऑफ क्वेश्चन. ये फिल्म में डेफिनेटली मैं तो किसी को नहीं बोल रही हूँ इलेक्शन में जाने की ड्यूटी के लिए. तो दूसरा सवाल Rani at the center. Kishan, but I like you. हाँ. Rani at the center. हाँ जी. Hi, yes. Nikita from Free Press newspaper. From Free Press Journal. Free Press Journal. Hi. Very famous, huh? Free Press Journal. Thank you. PTI, na? No, this is not PTI. This is Free Press Journal. हाँ, okay. So you know a lot, like Justin from PTI had just asked you about lot of actors. PTI is also very famous, huh? हाँ. Had actually I meant PTI, huh? Had asked you about actors working with younger actresses, but working with younger actresses. Yeah. As an actor yourself, how comfortable will you be romancing an actor who's younger than you? I'll be very comfortable. I'm an actor. I'll be comfortable romancing anyone. I've romanced a lot of people. Yeah. I don't mind. I'm an actor. मुझे जो बोला जाएगा मैं वही करूँगी भाई. हम लोग सिर्फ instructions लेते हैं, देते नहीं है. And do you feel Aditya will be comfortable with you? Very, why not? He's married an actress. He has to be comfortable. थोड़ी ना उनको आँख में पट्टी लेके बोला था इसको शादी करो. Thank you, dear media. Thank you so much for these wonderful questions. Lovely. Thank you so much for joining us for the trailer launch. अरे आप लोग ने Can I just ask one question to the media? Since they're asking me so many questions, trailer अच्छी लगी कि नहीं? जो main मुद्दा है, हाँ, वो तो बोलो भाई, तो feedback तो दो. Wow. अच्छी लगी ना? बस ये जो पूरे session का मुद्दा था वही था भाई. Trailer launch, is it nice? No, trailer, not the interview. Trailer कैसा था भाई? अच्छा था ना? रघु तू तो कुछ बोल, तू तो सिर्फ अपने सोशल मीडिया के लिए लेते ही जा रहा है. तू ऐसा ना था, तुझे क्या हो गया? तूने एक भी सवाल नहीं पूछा. बोलता तो है मेरा बड़ा फैन है, बट आज तो एक भी सवाल नहीं पूछा तूने. हाँ, तो मतलब सोशल मीडिया के पीछे पड़ गया ये आते आते. कैसे लगी भाई? अच्छी लगी ना? झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? कोलकाता बोलो कोलकाता एटार जन्य তোমরা সব ওখান থেকে এসছো কি কি বলছো কিন্তু আমি জানতে পারলাম তোমরা হিচকির জন্য আসোনি থেকে যাচ্ছ তো কেমন লাগলো এখানে মুম্বাইয়ের মিডিয়ার সঙ্গে এটা দেখে ভাল লাগলো খুব ভালো আমাকে দেখা করে খুব ভাল লাগছে ठीक है हाँ क्या चाहिए भाई यार तुम लोग को कैसी लगी भाई अच्छी लगी ना? बस